डॉक्टर मीर जवाद जार खान चेयरमैन जर्मेंटन हॉस्पिटल को 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मेंटन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मेंटन हॉस्पिटल अतापुर हैदराबाद। आइए नाजिन अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि संगारड्डी के पास से है। संगारड्डी का भी एक खायत है जो कि अंदरूनी कुछ फिरका परस्त लीडरों से मिला हुआ है जो कि इस बार इलेक्शन में उनकी सपोर्ट किया था। उसने कहा था कि मुसलमानों को एक तरफ वोट डालो और बीजेपी को एक तरफ वोट डालो, लेकिन अपने आप को कांग्रेस का ये कायद बताता है, कांग्रेस का जो है एमएलए बताता है, एमएलए तो अभी नहीं है। तो बहरहाल जो है ऐसे फिरका परस्त लीडरों से भी हमें होशियार रहना चाहिए। आज की हमारी ये खबर एआईएमआईएम पार्टी को लेकर है। एआईएमआईएम पार्टी के एमएलए जनाब कौशल मोहिउद्दीन और संगारड्डी के एआईएमआईएम पार्टी के वर्कर्स ने जो है आज संगारड्डी जेल जाकर जो है मेदक में जो फसादात हुए थे जिसके पर खासकर मुस्लिम लड़कों के ऊपर जो केसेस बुक कर उनको जेल में डाला गया था उनसे आज कौशल मोहिउद्दीन ने मुलाकात की। पता नहीं इतनी बुरी हालत क्यों हो रही है मुसलमानों की। 14 मुसलमानों को जो है केस दर्ज कर उनको जेल भेजा गया और कहीं मुसलमानों को मार मार कर जख्मी भी कर दिया गया था। उनके ऊपर क्या केसेस बुक हुए पता नहीं, लेकिन मुसलमानों के बच्चे इस वक्त जेल में बंद है। मुसलमानों के बच्चों के ऊपर हथियारों से हमला भी किया जाता है, फिर उनके ऊपर केस दर्ज भी किया जाता है, फिर उनको जेल भी भेजा जाता है। तो बहरहाल संगारड्डी की आवाम जो है बाखबर रहिए, होशियार रहिए, खासकर ऐसे फिरका परस लीडरों से जो कि कहते एक बात है और करते कुछ और ही है। तो बहरहाल जो है किस तरह से कौशल मोहिउद्दीन ने मुलाकात की जेल जाकर वो हम आपको संगारड्डी कंदी जेल में हमारे जो मेदक के जो लोग को यहाँ पर रखा गया उन तमाम से मुलाकात की गई और जिसके अंदर हमारे संगारड्डी के मेदक डिस्ट्रिक्ट के टाउन के सदर जनाब इरशाद साहब, जनाब कयूम साहब, हमारे संगारड्डी जिला टाउन के सदर जनाब ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब, उनके तमाम साथी और हमारे हैदराबाद के कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद नसीर साहब और संगारड्डी मेदक के मजलिस के तमाम वर्कर्स के साथ में यहाँ पर मुलाकात की गई और उन तमाम को तफसीली बताया गया। और ख़ास तौर से गलतफहमी का शिकार था कि लॉयर्स के ताल्लुक से सदर मोहतरम पिछले दो दिन पहले खुद बता दिए थे कि अच्छे लॉयर को रखने के लिए जो मेदक डिस्ट्रिक्ट के सीनियर लॉयर हाई कोर्ट के बड़े लॉयर हैं वी प्रताप रेड्डी साहब को अपॉइंट किया गया। और मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से मेदक के तमाम से गुजारिश करता हूँ किसी लॉयर को मत रखें, क्योंकि जमात आज इन तमाम बच्चों के ताल्लुक से मेदक में जो वाक़या वो तमाम को मालूम है और इन तमाम को रिहा कराने के लिए जमात मजलिस कानून के सदर मोहतरम और जमात पूरी तरीके से लीगल टीम को रखकर इनको रिहा कराने की पूरी कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 7-8 दिन के अंदर इन तमाम बच्चों को बेल होगी जो 387 और दूसरे दफ़े डालकर इन तमाम को गैर जरूरी के परेशान किए। और मैं इस मीडिया के ज़रिए ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आसपास के जो भी छोटे छोटे विलेजेस है वहाँ के जो लोग घबराए हुए हैं परेशान हैं, किसी को घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इत्मीनान से आपके गाँव में आपके घर में सुकून से रहिए, इंशाल्लाह आपके ताल्लुक से मेदक डिस्ट्रिक्ट संगारड्डी के ताल्लुक से सदर मोहतरम खुद बाज़ाब्ता हर जगह पर जमात के जो जिम्मेदार हैं उनसे फ़ोन पर रब्त कर वहाँ के हालात से वाकिफ होते जा रहे हैं। मैं आज यहाँ पर आकर तमाम के साथ ने संगारड्डी जेल के अंदर मुलाकात किया और उन तमाम को तहखुन दिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।